बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ पंजाब कॉलेज कबीरवाला एंड आई एम रॉ अलीरजा एंड आई एम हियर टू डिलीवर द फर्स्ट लेक्चर ऑफ माइन ऑन द टॉपिक ऑफ द डाइंग सन। दिस इज द चैप्टर नंबर फर्स्ट इन योर बुक सेकेंड, सो वी विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द लेसन इन दिस लेक्चर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट बट हु इज द राइटर ऑफ द दिस एसे। दिस इज अ काइंड ऑफ एसे and what type of essay is this? Here we have to know that it is an exploratory essay. What are the basic characteristics of this essay? So this essay has three basic characteristics. Number one, it is informative. Number second, based on personal experience. Number third, there is no end or conclusion. So these are the basic characteristics of this essay, because this is an exploratory essay. So dear, James Jeans, who was James Jeans? Here the question raises in the mind of student, who was James Jeans? James Jeans was a physicist, astronomer and a mathematician. सो ही राइट्स इस ऐसे, वो इस ऐसे को लिखता है अपनी इंफॉर्मेशन की बेस पर, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पर, और इस ऐसे की एक और क्वालिटी है कि इसमें कोई भी कंक्लूजन नहीं होता। यानी कि अब जब आप इस ऐसे को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक ओपन एंडेड ऐसे है, इसमें किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन आप क्रिएट कर सकते हैं और उसके आंसर्स को आप खुद से मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। सो ये इंफॉर्मेटिव है, बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस है, और देर इज नो एंड ऑफ ये देर इज नो कंक्लूजन इन इट। सो हेयर एक रफ सा स्केच बनाते हैं। फर्ज करें, सपोज दिस इज द सर्फेस ऑफ सन, अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स अ स्टार केम नियर द सन एंड produce a tidal pull here. इसकी tidal pull की वजह से सूरज की सरफेस अट्रैक्ट हुई और इसकी तरफ जाने लगी। तो here यहां एक पहाड़ बन गया, एक माउंटेन बन गया। अब जैसे ही इस सितारे ने रिसीड किया, यानी कि दोबारा पीछे की तरफ मूव किया, तो ये जो माउंटेन था ये टॉर्न इनटू पीसेस, और जैसे ही ये टुकड़ों में टूटा, यही सूरज के टुकड़े, सूरज के गिर्द अपने अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाने लगे। आवर अर्थ इज वन ऑफ देम, हमारी जमीन में से अब इन सितारों ने अपने अपने ऑर्बिट यानी अपने अपने टेम्परेचर बेल्ट में सूरज के गिर्द रिवॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। जो जितना करीब है वो उतना हॉट है, जो सूरज से जितना दूर है वो उतना ज्यादा ठंडा यानी कूलर केस है। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि हाउ इज दैट अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट। दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम हम इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। वो कहता है कि ऐसा क्यों होता है कि कभी कभार एक सितारा जो है वो दूसरे के करीब जाता है? इस वजह से, बिकॉज देयर इज अ डिस्टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ माइल्स बिटवीन देम। सबसे पहले हम इसे लिखेंगे कि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ मिलियंस ऑफ माइल्स
इस वजह से ऐसा होता है कि एक सितारा पर मुश्किल ही दूसरे के साथ टकराता है या दूसरे के करीब जाता है। ये अपने अपने ऑर्बिट में अपनी जगह पर खुद ही रिवॉल्व कर रहे हैं और कोई भी सितारा अपने ऑर्बिट से बाहर नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स, अ वांडरिंग स्टार वांडरिंग थ्रू स्पेस एंड केम नियर द सन। सेकंड थर्ड क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन अ वांडरिंग स्टार केम नियर एंड नियर द सन, जब ये और ज्यादा करीब आया सूरज के। एंड व्हाट आर प्लैनेट्स एंड हाउ डिड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस। ये तीनों क्वेश्चन जो है इनका आंसर एक ही है, इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर एक ही है। क्या वो हमने एक डायग्राम में, जैसे ही ये सितारा सूरज के करीब आया या सूरज की सरफेस पर एक माउंटेन जनरेट हो गया और इस माउंटेन के जनरेट होते ही सितारे ने दोबारा रिसीड किया यानी पीछे की तरफ हरकत शुरू की, टॉर्न इनटू पीसेस, और ये सूरज के टुकड़े ही खला में बिखर गए और ये सूरज के गिर चक्कर लगाने लगे और हमारा सोलर सिस्टम बन गया। ये जब सूरज के टूटे हुए टुकड़े हैं यानी सूरज की सरफेस के, इनको हम कहते हैं ये प्लैनेट्स हैं। और ये तीनों क्वेश्चन जो हैं इनका एक ही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई इज देयर नो लाइफ ऑन स्टार्स, सितारों पर जिंदगी क्यों नहीं है। सो हियर सिंपल, जो सूरज लाइफ नीड्स, suitable physical conditions, और वो कौन कौन सी कंडीशन है। नंबर फर्स्ट एयर, नंबर सेकेंड वाटर, नंबर थर्ड टेम्परेचर। सो दीज आर द थ्री कंडीशन एंड दीज थ्री कंडीशन इज ऑनली एग्जिस्टेड ऑन अर्थ, ये सिर्फ जमीन पर ही पाई जाती है। दैट्स वाई जिंदगी जो है वो सिर्फ जमीन पर है और किसी सियारे पर नहीं है। देर इज नो कंसेप्ट ऑफ लाइफ ऑन एनी अदर प्लैनेट। सो क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ नोट ऑन द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 6, लाइफ स्टार्ट्स, ये लाइफ स्टार्टेड ऑन अर्थ इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स, सिंपल ऑर्गेनिज्म की सूरत में जिंदगी इस सियारे पर शुरू हुई यानी जमीन पर, और आहिस्ता आहिस्ता ये कंप्लेक्स हो गई और सिंपल ऑर्गेनिज्म से जैसे ही कंप्लेक्स हुई तो ये कंप्लेक्स होने के बाद ह्यूमन बीइंग की शक्ल में आ गए। और ह्यूमन बीइंग जो है इनमें वो सारी चीजें पाई जाती हैं जो आज एक सोसाइटी में जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है। सो इमोशंस, पैशंस एंड और स्पिरिट्स, ऑल दैट, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। So question number 7, why is universe of which our earth is a part so frightening? हमारी जमीन जिस कायनात का हिस्सा है वो इतनी हौलनाक क्यों, यानी हमें इतनी खौफनाक क्यों दिखाई देती है जिसका हिस्सा हमारी जमीन है। इसकी भी 3 कंडीशन है, अगर हम उन्हें बकायदा एक बेस से डिस्क्राइब करें। सो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बिकॉज ऑफ loneliness. अपनी मुकम्मल तन्हाई की वजह से, यानी अगर हमें कायनात में जमीन जो है वो खौफनाक महसूस होती है तो वो इस वजह से कि हम मुकम्मल यहां और कहीं भी जिंदगी का तसव्वुर नहीं। नंबर 7, स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, वक्त के बहुत ज्यादा फैलाव की वजह से जमीन ये जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा हौलनाक है, यानी हमारे लिए सो फ्राइटनिंग है वक्त के बहुत ज्यादा फैलाव के लिए, लोनलीनेस के लिए। और थर्ड, हमारी जमीन के छोटा होने की वजह से, सो लिटलनेस, कि अगर इसे कायनात के कुल मादे के साथ मेजर किया जाए तो हमारी जमीन जो है वो
एक रेत का जर्रा महसूस होगी, यानी ग्रेन ऑफ अ सैंड। सो क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इन योर ओपिनियन शुड बी कंडीशन नेसेसरी ऑफ द काइंड ऑफ लाइफ वी नो टू एग्जिस्ट ऑन अदर हेवनली बॉडीज, डू सच कंडीशन जनरली एग्जिस्ट, क्या ऐसी कंडीशंस जो हैं वो वाकई हैं, और जिंदगी को किस किस्म के हालात चाहिए अपना वजूद पाने के लिए। सो उसको हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि लाइफ नीड्स सूटेबल फिजिकल कंडीशंस, और वो है एयर, वाटर और मॉडरेट टेम्परेचर। मॉडरेटेड टेम्परेचर मीन्स कि ऐसा मॉडरेट टेम्परेचर जिसमें ना तो हमारा खून जो है हमारे जिस्म में फ्लो करने वाला वो जम जाए, और ना ही ऐसा हो कि ये खौल उठे। वो सियारे जो सूरज के करीब हैं वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादा होने की वजह से वहाँ ज़िंदगी एग्जिस्ट नहीं करती, और जो बहुत दूर है वहाँ बहुत कम है जिसकी वजह से वहाँ ज़िंदगी अपना एग्जिस्ट नहीं कर सकती। सो लाइफ नीड्स सूटेबल फिजिकल कंडीशंस और इट ओनली एग्जिस्ट ऑन अर्थ, तो ये सिर्फ हमारी ज़मीन पर पाई जाती है। सो दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर स्टूडेंट्स डिजाइन सर, और दिस इज होल एंड सोल ऑफ दिस लेक्चर, दिस इज द होल समरी ऑफ आवर लेसन द डाइंग सन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन वी विल डिस्कस इट इन द ग्रुप। सो अल्लाह हाफिज़।